मनीषा और बेबिका का हुआ झगड़ा, बेबिका हुई फलकनाथ से नाराज। वेल, बिग बॉस के लाइव फीड में हमने देखा मनीषा और बेबिका की लड़ाई को साइरस सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करते हैं। वहीं साइरस ने बेबिका को बताया कि मनीषा को बेबिका की बातों से इतना ज्यादा हर्ट फील हुआ कि वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। ये सुनने के बाद बेबिका मनीषा से माफी मांगती है और कहती है कि मेरा पर्पस किसी के इमोशंस को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। मनीषा से बेबिका माफी मांगने को भी कहती है, जिसके बाद मनीषा माफी मांगने से इनकार कर देती है। ये सुनने के बाद बेबिका का गुस्सा मनीषा पर फूट जाता है। बेबिका मनीषा को झूठा तक कह देती है। मनीषा को बेबिका काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक औरत भी कहती है। वहीं बेबिका और मनीषा का इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मनीषा बेबिका से दोस्ती तक तोड़ने की बात कह देती है। मनीषा पर बेबिका भड़क रही होती है। वहीं मनीषा पर बेबिका धक्का मारने तक का इल्जाम लगा देती है। बेबिका कहती है कि कुछ जगह उन्हें मनीषा सच में डिप्लोमेटिक ही लगी है। बेबिका मनीषा की चिंता बेबिका को गाली देगी ये वाली लाइन भी उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मनीषा कहती है उन्होंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं कहा है और उन्होंने हमेशा बेबिका की तारीफ की है। मनीषा बेबिका किसी की दोस्त नहीं हो सकती ये बात भी साइरस को कहती है। वही बेबिका को फलकनाथ धीमी आवाज में बात करने को कहती है। बेबिका फलकनाथ पर भी भड़क जाती है और हमेशा अपनी ही गलती न होने की बात कहती है। पूजा कहती है कि माफी मांगने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। बेबिका साइरस पर भी गुस्सा कर रही होती है। वहीं मनीषा कहती है कि वो अब बेबिका पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगी और कभी उनसे दोबारा वैसी दोस्ती नहीं कर पाएंगी। बेबिका साइरस की मिडिल ग्राउंड पर लाने वाली बात भी उन्हें याद दिलाती है। वहीं मनीषा कहती है कि वो बेबिका को कभी भी नहीं समझ पाई है। मनीषा कहती है कि बेबिका एक हफ्ते की दोस्ती को एक दिन में भूल भी चुकी है। पर आपका मनीषा और बेबिका के इस झगड़े पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।